सो व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका पीआरडी एडिट्स में। मैं हूं प्रांजल दास और आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का एक सॉन्ग के लिए थंबनेल रेडी करने वाले हैं। ओके, तो आप भी अगर एक बेसिक अपना सॉन्ग का यूट्यूब चैनल चालू किए तो आप एकदम ऐसा तड़कता भड़कता थंबनेल कैसे बना सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और जिसके लिए थंबनेल बना रहा हूँ भाई, वो मेरा दोस्त है, वो काफ़ी अच्छा गाता है यार। मैं उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट करने एक बार, आपको काफ़ी पसंद आएगा सॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना जिसका जो थंबनेल का जो पिक है वो आपका जो भी हो उसको आपको सबसे पहले ना आपको क्या करना है कि अपना पिक्सआर्ट में ले लेना है। ओके, अगर आपको लाइटरूम में कुछ एडजस्टमेंट करने तो आप वो कर सकते हो, उसके वो आपके ऊपर है, लेकिन यहाँ मैं इसको डायरेक्टली ले रहा हूँ। और इसमें जो भी मैंने PNG यूज़ किया, अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ग्रेडियंट है, ब्लैक ग्रेडियंट ओवर लेयर, तो इससे क्या थोड़ा सा मेरे को डार्क शेप ही, तो उसके लिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। इसका ओपेसिटी मैं अराउंड कुछ 60-65 तक रखूँगा। ओके, तो इस टाइप से मैं रखूँगा इसका ओपेसिटी। तो ये देखिए थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा आ गया है, थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आ गया क्योंकि मेरे को ऊपर लाइटनिंग लगानी है। ओके, तो ये लाइटनिंग का ऐसा एक ओवरले है, ठीक है। तो इसको मैं अब लगाता हूँ, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, पहले तो सेट कर लेते हैं अपने स्क्रीन पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इसे क्या करें, सिंपली अब मैं इसको स्क्रीन कर दूंगा। ओके, तो आपको मतलब जो भी PNG आपको सिंपली बस स्क्रीन कर देना उसको। तो यहाँ पर आपको अगर पसंद आए तो भाई ज़रूर डाउनलोड कर लेना, अगर आपको लगता है आपको यूज़फुल होगा इसमें, नहीं तो कोई और एडिटिंग नहीं। ओके, अब आपको फिर से एक और PNG ऐड करना है जो कि भाई आइस वाले हैं। ओके, तो ये एकदम मतलब चमकते धमकते आइज़ हैं एकदम भाई, एकदम वाइट वाइट। तो ठीक है, इसको आपको सबसे पहले स्क्रीन कर लेना और उसको एडजस्ट कर लेना अपनी आँखों में। अगर आपका इसके साइज़ के हिसाब से नहीं हो रहा तो आप एक टोक इरेज करके एक को सेट करके फिर दूसरा कॉपी कर सकते हो। ओके, तो ऐसे भी आप अपना लगा सकते हैं। तो ये देखिए भाई काफ़ी एकदम तगड़ा लुक आ गया, एकदम शैतान वाला लुक आ गया। ओके, तो यहाँ हो गया ये सब। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और एम्प्टी लेयर बना के भाई अब इसमें थोड़े पार्टिकल्स ऐड करने अपने को नीचे साइड। ओके, तो वो वाला भी PNG है, उसको भी आप ले लेना। तो ये एक पार्टिकल्स का PNG है, तो इसे अब हम यूज़ करेंगे। ओके, तो अब इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको भी स्क्रीन करके अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं नीचे साइड। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है, तो आप इफेक्ट देखना भाई काफ़ी तगड़ा दिखेगा। ओके, तो भाई देख सकते हैं आप क्या एकदम ज़बरदस्त लुक आ रहा है फ़ोटो में। ओके, तो भाई मेरे को तो काफ़ी पसंद आया, आप कमेंट करके बताना आपको यार पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है, सेव कर लेना अपनी गैलरी में। और इसके बाद आपको एक सेकेंड ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जो कि है पिक्सल लैब। अगर आपको पिक्सल ऐप नहीं है तो आप सिंपली प्ले स्टोर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आपको एकदम फ्री मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली पहले तो अपना एक इमेज साइज़ ले लेना जो कि होगा यूट्यूब थंबनेल के लिए, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें आपको अपना जो इमेज है ना वो इम्पोर्ट कर लेना जो भी आपने सेव किया है। ओके, तो ये बेसिकली मैं टेक्स्ट जाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप पिक्सआर्ट में भी कर सकते हैं, अगर वैसे फॉन्ट है तो पिक्सआर्ट में भी यूज़ करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल जो फॉन्ट है वो भाई इसमें था पिक्सल लैब में, तो इसलिए मैं पिक्सल लैब करूँ, वो आपके ऊपर है भाई, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपको पिक्सल लैब ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर अब देखिए अब जो मैंने डाल दिया अपना जो था फॉन्ट, तो अब यहाँ पर देखिए अब ये हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पर एक फॉन्ट ले लेते हैं, तो लिख तो दिया है मैंने, तो यह एक फॉन्ट है एबेंडन वाला। ये पूरे पैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए अब इसे मैं ले लेता हूँ, और मतलब वो आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया उसमें नीचे साइड था, तो आपकी मर्ज़ी आप जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखने थी, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिंग थोड़ा सा कर देते हैं ताकि और अच्छा लगे, थोड़ा सा दूर दूर रहेगा तो काफ़ी क्लीन दिखेगा। अब इसमें मैं एकदम रेड लुक दे रहा हूँ, तो काफ़ी एकदम अलग लुक आ जाएगा इसमें। ओके, तो इसका ओपेसिटी अब थोड़ा कम कर देते हैं जिससे कि थोड़ा मतलब जितना डार्क ना दिखे। अब इसको थोड़ा सा एकदम इतना फेडेड ना दिखाने के लिए अब इसमें शेडो इनेबल करेंगे, ब्लैक शेडो, ठीक है। और उसका ब्लर रेडियस फुल कर देना है। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि भाई एकदम तगड़ा लुक आ चुका है हमारे इसमें। अब मैं एक और टेक्स्ट ऐड करूँगा जो कि है इसके एल्बम का नाम जो कि है मिसाल। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए अब इसे लिखना है, इसके लिए अब मैं ये क्या है कि नीचे जाएगा। अगर आप जैसे देखिए एक मेन टाइटल होता है और एक सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में आपका जैसे नाम हो गया, तो सेकेंडरी वाला ना हमेशा छोटा और ऐसा फॉन्ट रखिए जो एकदम क्लासिक लुक लगे। जैसे देखिए क्लासिक लुक है एकदम एक फॉन्ट का, ऐसे टाइप का एक फॉन्ट चूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा इसको भी स्पेसिंग कर देते हैं इसका,
ठीक है, तो पहले तो इसको सेट कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ कुछ बीच में कर ले रहा हूँ। ओके, सो ये अब ठीक दिख रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है हमारे इसमें थंबनेल में। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो ना पसंद आया। अगर बेसिक अपना यूट्यूब चैनल चालू किया, अभी बिगनर हैं, तो आपको ये वाला ट्यूटोरियल काफ़ी काम आ सकता है। आप एकदम यूज़ कीजिए और मतलब अपना यूट्यूब चैनल ग्रो कीजिए, और मेरा भी साथ दे देना थोड़ा। ओके, तो यार इसी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।